पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया है। विदिशा के नीमताल स्थित गांधी चौक पर कांग्रेस जन भजन मंडली के साथ हारमोनियम ढोलक और मंजरे के साथ महंगाई डायन खाए जाते गीत गाकर लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा दिए गए ऐसे दिनों का एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं। तात्कालिक केंद्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई के विरोध में भाजपा द्वारा अनेक तरह से विरोध प्रदर्शन किए गए थे और एक गाना महंगाई डायन खाए जाते, लेकिन यह गाना केंद्र में बैठी मोदी सरकार पर बिल्कुल फिट हो रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ सहित खाद्यान्न पदार्थ की बेतहाशा कीमतों में आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। इसी के चलते आज युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर बैठकर महंगाई डायन खाए जाते और केंद्र में बैठी मोदी सरकार महंगाई का ठीकरा फोड़ा। युवक कांग्रेस ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विवेक ठाकुर ने बताया कि आज दिन ब दिन बढ़ती महंगाई विकराल रूप ले रही है। जहां एक ओर कोरोना संक्रमण काल में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो वहीं सरकार प्रतिदिन महंगाई बढ़ा रही है, जिससे जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। विवेक ठाकुर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि जनपद पंचायत विदिशा, देख रहे हैं ऐसा प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, भजन मंडली लेकर बैठे हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, अच्छे दिन का नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में आई थी, लेकिन अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन हर चीज़ों में दामों की वृद्धि जरूर हो गई। महंगाई और भ्रष्टाचारों को बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया है। वैसे ही आम जनता जो है GST, नोटबंदी, लॉकडाउन से परेशान है और कोरोना महामारी के चलते लोगों के रोजगार छिन गए, इसको लेकर लोग परेशान हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बड़े हैं, जो कि मोदी सरकार कर रही है। खाने पीने का सामान, खाद्य पदार्थ, हर यात्रा, रेलवे, सब चीज़ों के दाम जो है वो भारी तेज गति से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है भजन मंडली के द्वारा। शायद सोती हुई सरकार जाग जाए और शायद सरकार को कुछ सुध ले ले जनता की, इसको लेकर आज हमने विरोध प्रदर्शन किया। शिवराज के घर में महंगाई डायन मार जाए, आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ों में और आपको कमी सरकार को इसमें महंगाई में कमी करनी चाहिए? देखिए, मैं बताऊं आपको, इस लॉकडाउन के चलते लोगों के रोजगार जो हैं वो छिन गए, लोग अपने घर बैठे हुए हैं इस कोरोना महामारी में, कई लोगों ने अपनों को खो दिया, लोगों के पास रोजगार नहीं है। बहुत सारी हर चीज़ में लेकर, हर चीज़, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर लोगों के खाने पीने के सामान, घर के सामान, हर चीज़ में रेट जो हैं वो आसमान छूना है, लेकिन सरकार दाम घटाने की जगह लगातार बढ़ रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।